ओके दोस्तों, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे। मैं स्काई मास्टर ब्लैक कैट कमांडो आर के दैया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों मैं बोलता हूँ, मेहनत किस प्रकार से होनी चाहिए, मेहनत सुरेंद्र की तरह होनी चाहिए। सुरेंद्र की तरह मेहनत इस प्रकार से होनी चाहिए। सुरेंद्र जब आया था, जब इसके दाढ़ी मूंछ नहीं आए थे, और अभी 22 महीने हो गए, 22 महीने अब कोई थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और मूंछ आई है। आया उस टाइम बोल दिया था, सर जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो नौकरी लग के ही जाऊंगा। और उस टाइम पे होली का त्योहार, जो हमारे हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ा त्योहार होली का आता है, उस टाइम भी ये अपने घर नहीं गया, होली के त्योहार भी यहाँ रह के इसने फिजिकल की तैयारी की। लगातार 8 महीने तक घर नहीं जाने वाला एक शख्स ये है, जिसमें इसके घर में कोई कमी नहीं है, और सिर्फ डेडिकेशन कि नहीं सर मुझे नौकरी लग के जाना चाहिए, कुछ भी हो जाओ। 8 महीने का ड्यूरेशन लगातार, आप मायना रखते हैं कैसा होता है। और फिजिकल के अंदर ये आपको खुद बताएंगे, और रिटर्न के अंदर किस प्रकार से तैयारी की थी। ओके कुछ सुरेंद्र, मेरा नाम सिपाही सुरेंद्र सिंह गुजर है। मैं सहयोग देना चाहूंगा हमारे आर के दैया कमांडो साहब को, मेरे माता पिता को, ज्यादा सहयोग मैं साहब को देना चाहूंगा। मैंने बहुत मेहनत से आर्मी नौकरी पाई है, इसमें सहयोग कमांडर साहब का है, और इन्होंने अच्छी मेहनत कराई। और मैंने जब भर्ती हुई थी, उसमें 100 मीटर का गैप देके सबसे प्रथम पूरे जिप्सी के बिल्कुल पीछे एकदम। और रिटर्न के लिए पूछो कैसे पढ़ते थे। रिटर्न के लिए मैंने यहाँ तैयारी की थी, और मैं दिन रात मेहनत करता था। सर हमको तो रात को 2-2 बजे तक हमारे साथ बैठे रहते थे। और आपको मैं जब एक बार मैंने गंजे कर दिए, तब क्या बात एक बार ऐसा टाइम आया था कि बच्चों के काफी लंबे लंबे बाल उड़ते, गर्मी का टाइम आ गया था, सबको गंजा कर दिया, तो कई बच्चे यहाँ से क्या हुआ भाग गए। बोला नहीं नहीं सर गंजे करे। सुरेंद्र बोला नहीं सर मुझे सबसे पहले गंजा कीजिए, और पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, और बाइक और सबसे पहले जाके गंजा हुआ। उसी प्रकार सबसे पहले जाके सर्विस लगा, सिर्फ और सिर्फ 17.5 साल के अंदर आर्मी ज्वाइन किया, सिर्फ लगन से दिल के अंदर। और आज भी इसके अंदर लगन है, डेडिकेशन है। एक बार इसने सोच लिया ने, ठान लिया, वो काम करके रहता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना बेड बिस्तर कभी नहीं छोड़ा, फिजिकल करते थे सिर्फ या तो बिस्तर के ऊपर अवतार सिंह की तरह, या फिर अपने ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर इस जैसी दौड़ मैंने बहुत कम बच्चों की देखी है, जो इतनी कम उम्र के अंदर इस हिसाब से भागते हैं बच्चे। और सुरेंद्र कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, अभी रिटर्न के है सारे बच्चे। आप रिटर्न की तैयारी करो तो अच्छी मेहनत करो और अच्छी लगन से तैयारी करो, नंबर 100% आएगा आपका, आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट एकेडमी है, इसके और कोई अलग एकेडमी नहीं है ऐसी जो पूरा फिजिकल देगा और रिजल्ट देगा।